मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। 25,000 का इनामी बदमाश को सिद्धार्थनगर पुलिस ने जान की बाजी लगाकर किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर के थाना कोतवाली वांसी के पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना पर हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को वांसी कस्बे के आसपास घूम रहे हैं, जो संगीन अपराध करने के फिराक में है। सूचना पर वांसी पुलिस के खेसराहा मार्ग पर देवरिया नाला पर पुलिस की चेकिंग में रोकने के प्रयास में पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिए, जिससे हमराही पुलिस उपनिरीक्षक अजय सिंह की बाएं हाथों में लगी आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगने व मोटरसाइकिल से गिर जाने के पश्चात मैं असलाह कारतूस के साथ एक अदद कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस, एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद हीरो होंडा मोटरसाइकिल ग्राम सुकरोली में ग्राहक सेवा केंद्र से लूट की धनराशि 20,100 रुपए बरामद किए। शेष सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। आज सुबह मुखबिर की सूचना पर कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो कि आपराधिक किस्म के हैं वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, थाना बासी में तड़के चेकिंग की जा रही थी कि जो देवरिया नहर के पुल के पास थाना बासी में दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखाई दिए। उनको जब रोकने का इशारा किया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई, जिसमें हमारे एक उपनिरीक्षक घायल हो गए। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा और जवाबी कार्रवाई में जवाबी फायर किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति अजय सिंह, जिसकी शिनाख्त बाद में हुई, उसके पैर में गोली लगी और उनकी मोटरसाइकिल डिसबैलेंस होकर गिर गई। तुरंत जो हमारी पुलिस टीम थी उनके द्वारा दोनों को वहीं मौके पर पकड़ लिया गया और उनके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ। जब उनकी शिनाख्त हुई और उनके बारे में जब और हमने उनसे प्रिलिमिनरी जो इंटरोगेशन हुई तो पता चला कि ये दोनों अपराधी जो 3 अक्टूबर को थानाबासी में ही ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की गई थी, ये दोनों उसमें भी संलिप्त हैं। इसके अतिरिक्त अजय सिंह थाना इटवा का एक पहले का एक मुकदमा है, जिसमें उनके बाकी साथियों के पास से चोरी गया हुआ ट्रैक्टर बरामद हुआ था, ये उसमें भी संलिप्त है और इसके विरुद्ध पूर्व में 82 सीआरपीसी की कार्रवाई प्रचलित है। जब अजय सिंह के बारे में हमारे द्वारा आसपास के क्षेत्रों से, आसपास के जनपदों से सूचना एकत्र की गई तो इनके ऊपर दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे, जो कि जनरली प्रॉपर्टी ऑफेंसेस ही हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे इनके खिलाफ मिले, जो जनपद बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर इन सब में पंजीकृत हैं। दूसरे अभियुक्त के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये दोनों अपराधियों का जो ये कृत्य है पुलिस पार्टी के ऊपर हमला करना, इसमें सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है और अब दोनों आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा रहे हैं। सर, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या पुलिस को भी कुछ प्रोत्साहन दे गया? इसमें जैसा मैंने बताया कि ये जो अपराधी है अजय सिंह, इसके ऊपर पूर्व से ही 25,000 रुपए इनाम घोषित है, तो जो इनाम की धनराशि है वो हमारी पुलिस टीम को मिलेगी। इसके अलावा प्रोत्साहन के लिए जो हमारी जो नियम है उसके अंतर्गत हमारी टीम के प्रोत्साहन के लिए उसमें भी कार्रवाई की जाएगी।